हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक डैनिश मूवी क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.2। इस मूवी की कहानी है कैसे एक सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता है और उसके बाद क्या क्या अनहोनी होता है। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। अब चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एनी से। एनी एक वकील है। एनी का पति पीटर एक डॉक्टर है। उनकी दो बेटियां हैं। एक्चुअली एनी पीटर की दूसरी पत्नी है। पीटर का एक बेटा भी है, पहली पत्नी रेबिका से। रेबिका के साथ पीटर का डिवोर्स हो गया है। बेटे का नाम है गुस्तव। गुस्तव अपनी माँ रेबिका के साथ रहता है। गुस्तव को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब रेबिका उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने की तैयारी करती है। ये बात जब पीटर को पता चलता है तो पीटर गुस्तव को अपने घर लेके आता है, क्योंकि पीटर अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। गुस्तव अपनी सौतेली माँ एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि एनी के वजह से ही पीटर ने उसकी माँ को डिवोर्स दिया है और इसी वजह से गुस्तव सबसे बहुत बुरा बर्ताव करता है। एनी ये बात अपनी बहन लीना को बताती है। लीना कहती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एनी जब घर पहुंचती है तब घर के बाहर उसे एक की चेन मिलता है। ये वही की चेन है जो एनी की बेटी ने गुस्तव को गिफ्ट में दिया था। गुस्तव गुस्से में उस की चेन को बाहर फेंक देता है। एनी की चेन उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। घर के अंदर जाने के बाद एनी देखती है कि पीटर और गुस्तव के बीच झगड़ा चल रहा है। गुस्तव इस घर में रहना नहीं चाहता और पीटर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। दोनों में बहस हो रही है। गुस्तव गुस्से में घर के पिछली वाली जंगल में चला जाता है। पीटर दुखी होकर एनी से बोलता है कि उसने गुस्तव को इस घर में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन एनी हालत को समझते हुए पीटर से कहती है कि गुस्तव को थोड़ा समय देना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब एनी ऑफिस से घर वापस आती है तो देखती है कि घर का कांच टूटा हुआ है, घर में चोरी हुई है। एनी पुलिस में कंप्लेन करती है। एनी का पर्स भी चोरी हो जाता है। कुछ दिनों बाद एनी धोने के लिए कुछ कपड़े निकालती है, उसमें गुस्तव का भी कपड़ा है। तभी गुस्तव के जीन्स पैंट के पॉकेट में वही कीचेन मिलता है जो उसके पर्स में था। एनी समझ जाती है कि गुस्तव ने ही घर में चोरी की थी। गुस्तव जब घर वापस आता है तब एनी उसे कीचेन दिखाकर धमकी देता है कि अगर उसने एनी का कहा नहीं माना तब वो पुलिस को सबूत दे देगी कि गुस्तव ही चोर है। गुस्तव तब अपनी चोरी मान लेता है। एनी कहती है कि उसे अपने परिवार के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा और सबसे घुल मिल कर रहना होगा। मजबूर होकर गुस्तव एनी का कहना मान लेता है। रात को गुस्तव अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और एनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर दोनों गुस्तव के बेडरूम में जाकर सेक्स करने लगता है। रूम से उन दोनों की सेक्सी सेक्सी आवाजें बाहर आती है। रूम के बाहर बैठी एनी को जब अंदर की सेक्सी सेक्सी आवाजें सुनाई देती है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे एनी के अंदर जवानी डंक मारने लगी हो। रात को आईने में अपने आप को हवस की नज़र से देखने लगती है। अगले दिन गुस्तव, एनी और उसकी दोनों सौतेली बहन घूमने जाते हैं। गुस्तव और दोनों बहनें तालाब में स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन एनी किनारे बैठी ऑफिस का काम कर रही हैं। ये देखकर गुस्तव जाकर एनी से कहता है कि अगर काम ही करना था तो घूमने क्यों आई। ये सुनकर एनी भी गुस्तव के साथ स्विमिंग करने जाती हैं और पानी में दोनों बहुत मस्ती करते हैं। वापस आकर रात को एनी और गुस्तव साथ में बैठकर बातें करते हैं। गुस्तव के हाथ पर टैटू देखकर एनी कहती है, ये टैटू बहुत सुंदर है।
ये सुनकर गुस्तव एनी के हाथ पर भी वैसे ही टैटू बनवा देता है। अगले दिन घर में पीटर के कुछ मेहमान आते हैं। पीटर उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन एनी का मन कहीं और है। उनके बीच एनी बोर हो रही है। एनी बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी गुस्तव सिगरेट्स लेने के लिए बाहर आता है और बाहर बैठी हुई एनी को देखकर चौंक जाता है। एनी भी गुस्तव के साथ बाहर चली जाती है। दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक्स करते हैं। एनी बताती है कि उस रात उसने अमेंडा की आवाजें सुन ली थी। गुस्तव हंसता है। तभी अमेंडा का फोन आता है। गुस्तव जाना ही चाहता है, तभी अचानक से एनी उसे स्मूच कर देती है। इससे गुस्तव हैरान हो जाता है और वहां से चला जाता है। घर वापस आने पर पीटर एनी को डांटने लगता है, क्योंकि मेहमान के रहते एनी बाहर थी। पीटर को मेहमान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी हालत ऐसा हो गया था कि हर वक्त एनी सिर्फ गुस्तव के बारे में ही सोचती रहती है। उसे गुस्तव से प्यार हो गया। सोते हुए भी उसे सिर्फ गुस्तव की ही याद आती है। अब उससे रहा नहीं जा रहा। एक रात अचानक एनी गुस्तव के बेडरूम में चली जाती है। रात को अपने बेडरूम में एनी को देखकर गुस्तव हैरान हो जाता है, लेकिन एनी गुस्तव को कुछ सोचने ही नहीं देती है। एनी गुस्तव को प्यार से छूने लगती है। गुस्तव भी एक्साइटेड हो जाता है। दोनों के तन मन में आग लगी है और दोनों सब कुछ भूलकर जबरदस्त जिस्मानी रिश्ता बनाने लगते हैं। अगले दिन एनी गुस्तव को एक कंप्यूटर गिफ्ट करती है। ये देखकर पीटर हैरान होता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है कि उसके परिवार में खुशियां आने लगी है। अब एनी की पांचों उंगली घी में थी। रात को पीटर के साथ और दिन में पीटर के जाने के बाद गुस्तव के साथ मजा करने लगती है। और कभी तो पीटर के रहते भी दोनों घर के पीछे वाली जंगल में जाकर सेक्स करते हैं। अब बात हद से आगे बढ़ गई थी। दिन गुजरने लगता है। एक दिन पीटर के घर में एक पार्टी होता है, पीटर की बेटी की बर्थडे पार्टी। मौका देखकर गुस्तव एनी के पास जाता है और उसे किस करता है। तभी वहां एनी की बहन लीना आती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है। लीना को बहुत गुस्सा आता है। वो एनी को गाली देती है। एनी बहुत डर जाती है। वो लीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो पीटर को कुछ ना बताए, वरना उसका परिवार फिर से बिखर जाएगा। लीना गुस्सा करके पार्टी छोड़कर चली जाती है। अब एनी गुस्तव से दूरियां बनाने लगती है, लेकिन गुस्तव एनी के पास आने की कोशिश करता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में टेंशन शुरू होता है। टेंशन की वजह से गुस्तव अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। एक बार गुस्तव पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर नीचे छलांग लगा देता है। गुस्तव की हरकत देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। अब एनी को हमेशा ये डर सताती रहती है कि पता नहीं कब पीटर को ये सब बातें पता चल जाए। इसलिए घर के पीछे वाली जंगल में एनी गुस्तव को बुलाकर उनका नाजायज रिश्ता तोड़ देती है। पीटर गुस्तव को अपने साथ कैंपेन में जाने के लिए कहता है, ताकि पीटर और गुस्तव का रिश्ता बेहतर बने। पीटर एनी से कहता है कि लीना का फोन आया था, लेकिन बिजी होने के कारण फोन रिसीव नहीं कर पाया। लीना का नाम सुनते ही एनी का हार्टबीट बढ़ जाता है। वो समझ जाती है कि लीना पीटर को सब बता देगी। इसलिए एनी लीना के घर पहुंच जाती है, लेकिन लीना उसे अंदर नहीं आने देती है। एनी लीना को कहती है कि अब गुस्तव के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ पीटर को उन दोनों के बारे में कुछ ना बताए, लेकिन लीना कुछ भी नहीं सुनना चाहती और एनी को वहां से जाने के लिए बोलती है। अब एनी का टेंशन पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब एनी के दिमाग में सिर्फ यही सब बातें घूमने लगती है। दिन रात जागते सोते सिर्फ यही सब बातें उसे डिस्टर्ब करती रहती है। इसी टेंशन में एक दिन एनी का एक एक्सीडेंट भी होता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचकर एनी देखती है कि पीटर और गुस्तव कैंपिंग से जल्दी वापस आ जाता है।
पीटर को देखकर एनी समझ जाती है कि पीटर को सब कुछ पता चल गया होगा। रात को पीटर बात करने के लिए एनी को बुलाता है। पीटर बोलता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, गुस्तव ने सब कुछ बता दिया है। एनी अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि गुस्तव झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि एनी और पीटर का झगड़ा हो जाए और पीटर एनी को घर से निकाल दे, ताकि गुस्तव अपनी माँ रेबिका को दोबारा घर वापस ला सके। पीटर कंफ्यूज होता है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एनी का नाटक दिन ब दिन बढ़ जाता है। एनी गुस्सा करके घर छोड़ने का फैसला करती है। पीटर उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। गुस्से से एनी ये भी कहती है कि घर में चोरी गुस्तव ने ही किया था, और ये बात जानते हुए भी एनी ने पीटर को नहीं बताया, क्योंकि एनी चाहती थी गुस्तव पीटर के साथ रहे। अब पीटर को एनी की बातें सच लगने लगी। पीटर एनी को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एनी कहती है वो सिर्फ एक कंडीशन में रुकेगी, गुस्तव को घर से निकाल भेजना होगा। अगले दिन पीटर एनी गुस्तव बैठकर बातें कर रहे हैं। पीटर गुस्तव से कहता है कि उसने रेबिका को एनी की वजह से नहीं छोड़ा था, इसलिए एनी से नफरत करना बंद करे और एनी के बारे में झूठ बोलना भी बंद कर दे। गुस्तव कहता है कि वो जो भी बोल रहा है वो सच है, ये औरत उसे धोखा दे रही है। गुस्तव गुस्से से एनी के मुंह में थूकता है और घर छोड़कर चला जाता है। पीटर गुस्तव को बोर्डिंग स्कूल में रख देता है। गुस्तव के जाने के बाद पीटर उसे बहुत मिस करता है और दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन गुस्तव एनी की ऑफिस में जाता है और एनी से कहता है कि वो पीटर से सब सच बोल दे, वरना गुस्तव एनी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देगा। गुस्तव की बातों का एनी पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि एनी एक बेहतरीन वकील थी। एनी उल्टा गुस्तव को बोलता है कि अगर वो अपने घर वापस आना चाहता है तो पीटर से बोले कि उसके बीच अफेयर वाली बात झूठी है, वरना घर आना भूल जाए। ये सुनकर गुस्तव का दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी होता है। दिन बीतने लगता है, क्रिसमस आता है। घर में क्रिसमस का पार्टी मनाया जाता है, सब लोग बहुत खुश है। पार्टी खत्म होने के बाद गुस्तव आता है पीटर से मिलने, लेकिन एनी उसे घर में घुसने नहीं देती है, बाहर से ही भगा देती है। गुस्तव इतना टूट जाता है कि रास्ते पे बैठकर वो रोने लगता है और फिर चला जाता है। कुछ दिनों बाद एनी का बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। बर्थडे पार्टी में लीना भी आती है। अब लीना और एनी के सुलह हो गए हैं। लीना एनी की बातें पीटर को नहीं बताती है। तभी पीटर को रेबिका का फोन आता है। रेबिका कहती है कि गुस्तव स्कूल के हॉस्टल से गायब है, क्रिसमस के बाद से ही उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन पीटर इस बात को इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि ये भी गुस्तव का ही कोई बदमाशी होगी। अगले दिन पुलिस का फोन आता है। पुलिस कहता है कि एक डेड बॉडी मिला है, शायद गुस्तव का हो सकता है। पीटर आकर डेड बॉडी का पहचान करें। पीटर चला जाता है। एनी को बहुत टेंशन होने लगता है, क्योंकि क्रिसमस की रात गुस्तव उसे मिला था। रात को पीटर आकर एनी से बोलता है कि गुस्तव का मौत हो चुका है और उसका डेड बॉडी कैंपिंग साइट पे मिला है। गुस्तव पिछले 2 महीने से कैंपिंग साइट में पीटर का इंतजार कर रहा था। वो पीटर से बात करना चाहता था, लेकिन वहाँ हैवी स्नोफॉल होने के कारण फ्रीज होकर गुस्तव का मौत हो गया। ये कहकर पीटर रोने लगता है और एनी भी रोने लगती है। एनी पीटर को हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से से पीटर उसका मुंह बंद कर देता है और चुप रहने को बोलता है। पीटर एनी को भी गुस्तव के मौत का जिम्मेदार मानता है। अगले दिन पीटर एनी और दोनों बेटियों को लेकर गुस्तव के फ्यूनरल के लिए निकलता है। सबके चेहरे पर मायूसी दिखता है और यहीं पे कहानी खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।